मीन राशिफल 2024। नमस्ते, एस्ट्रो योगी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2024 का वार्षिक राशिफल, जिसमें आप अपने लव, फैमिली, करियर, फाइनेंस और अपने परिवार से जुड़ी वो हर जानकारी प्राप्त करेंगे जो 2024 में आपके लिए जरूरी होगी। आज हम आपके लिए साल 2024 का मीन राशि का वार्षिक राशिफल लेकर आए हैं। हम आपके आने वाले साल में आप सभी की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। साल 2024 आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आएगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। साल 2024 के पहले महीने से ही आपको अपने हर काम में आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने ऑफिस में प्रवेश करते हुए बहुत सकारात्मक दिखेंगे। 2024 के सभी ग्रह परिवर्तन होंगे और आपके पक्ष में। विशेष रूप से साल 2024 के बाद के 6 महीने आपके लिए बहुत अधिक आश्चर्यजनक होंगे। आइए अब जानते हैं मीन राशि के लोगों के लिए क्या कहता है वार्षिक राशिफल 2024। आप आमतौर पर बहुत संवेदनशील और दयालु प्रवृत्ति होते हैं। आप सहानुभूति और गहरी भावनाओं से भरे हुए होते हैं। आप हमेशा रिश्ते, काम और जीवन के हर दूसरे सम्मान के प्रति एक बहुत ही कलात्मक और आशीर्वादी दृष्टिकोण रखते हैं। आप सभी राशियों में सबसे सहज होते हैं। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आपके जीवन में बहुत मदद करती है। आपके पास उच्च आध्यात्मिक उपचार शक्तियाँ और ढेर सारी आध्यात्मिक प्रतिभाएं भी होती हैं। एकमात्र समस्या जिसका आप सामना करते हैं वो आपके स्वप्न के बारे में है, जो आपको काम से विचलित करता है और आपकी देखभाल और भरोसा करने वाला रवैया है। अपने अग्रेसिव व्यक्तित्व के साथ आप अपने आसपास के सभी लोगों को आकर्षित करते हैं और लोगों को अपनी मुस्कान और हंसी से आशीर्वाद दे सकते हैं। सत्तारूढ़ ग्रह बृहस्पति की ऊर्जा के साथ भाग्य और सफलता हमेशा आपका पीछा करती है। आपके लिए साल 2024 शानदार साल रहेगा। साल की पहली छमाही आपको अपने समग्र धन, करियर और वित्त में वृद्धि के साथ आशीर्वाद देगी। साल का दूसरा भाग रिश्तों और मैरिड जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आप अपने परिवार में कई सुखद अवसरों का भी अनुभव करेंगे। आइए अब जानते हैं मीन राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से कैसा रहेगा साल 2024। आपका साल 2024 में करियर बेहतरीन रहेगा। आप कुछ आश्चर्यजनक वेतन वृद्धि और प्रमोशन देखेंगे। वर्कप्लेस और समाज में आपकी समग्र प्रतिष्ठा और छवि में काफ़ी वृद्धि होगी। जो जातक या तो नौकरी में हैं या व्यवसाय में, उनके कार्य जीवन में सभी तय लक्ष्यों को प्राप्त करने और सभी लाभ प्राप्त करने के लिए एक अच्छा साल होगा। साल के दूसरे भाग में आप पर जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन हर परियोजना के पूरे होने के साथ आपके प्रयासों और काम की सराहना की जाएगी। साल 2024 में सभी आपके लिए आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। आप अपने समग्र धन में सकारात्मक रूप से जोड़ने में सक्षम होंगे। साल 2024 में किए गए निवेश भी आपको अच्छा रिटर्न दे रहे होंगे। जातक हर क्षेत्र में निवेश कर पाएंगे और हर जगह से अच्छा मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन साथ ही आपके जल्दबाजी में किए गए निवेश से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए पूरी तरह से बाजार रिसर्च के बाद ही निवेश करें। प्यार और रिश्तों के लिए साल 2024 सामान्य और उतार चढ़ाव वाला रहेगा। विभिन्न चीज़ों के बारे में गलतफहमी होगी। मैरिड लाइफ में सकारात्मक बातचीत के बाद सब कुछ सुलझ जाएगा। सम्मान और आपसी समझ बढ़ेगी। रिश्ते में अनमैरिड जातक असुरक्षा और स्वामित्व से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें बेहतर होंगी और आपसी विश्वास और ईमानदारी से बंधन मजबूत होंगे। साल 2024 में जातकों का पारिवारिक जीवन बहुत ही सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहेगा। परिवार में ढेर सारी खुशियाँ और हर्षोल्लास के अवसर आएंगे, जो पूरे परिवार को एक साथ लाएंगे। मीन राशि वाले अपने घर में अपने माता पिता के साथ अच्छा महसूस करेंगे। आपका स्वास्थ्य साल भर सामान्य रहेगा। कोई भी बीमारी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। आपको अपने दोस्तों और परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये साल आपके लिए बहुत ही अद्भुत रहेगा और आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या कहती है। ग्रहों की स्थिति और गोचर आपके लिए इस साल बहुत लाभदायक होगा। बृहस्पति 30 अप्रैल 2024 को आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के साथ आप अपने भाई बहनों के साथ बेहतर रिश्ते, अपने कामकाजी जीवन में साहस और बहादुरी में वृद्धि।
अपने पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन को पटरी पर लाने का अनुभव करेंगे। इसके साथ ही आपके करियर में भी लाभ होगा। शनि पूरे साल 12वें भाव में रहेंगे। ये आपके सभी शत्रुओं को पराजित करने और आपके कार्य जीवन में शक्तिशाली होने में आपकी सहायता करेगा। वैवाहिक जीवन में कुछ असहमति और गलतफहमियां पैदा करेगा, लेकिन साथ ही ये आपके लाभ के साथ आपकी धार्मिक मानसिकता और आध्यात्मिकता को बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा। साल भर राहु आपके लग्न में रहेगा, जो आपके लिए लाभकारी है। ये आपको हर क्षेत्र में फलने फूलने में मदद करेगा। ये आपको आपके कार्य क्षेत्र में नवीन और रचनात्मक विचारों का आशीर्वाद देगा और आपके प्रोफेशनल जीवन को आशीर्वाद देगा। ये आपके रिश्ते और वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन उपायों से आप प्रभावों को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। अब आपके लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय जान लेते हैं, जो इस साल आपके लिए मददगार साबित होंगे। प्रत्येक शुक्रवार को दुर्गा चालीसा का पाठ करें। हर सुबह धरती को छूकर और आशीर्वाद लेकर धरती माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। कबूतरों और चींटियों को रोजाना या कम से कम हर मंगलवार और शनिवार को खाना खिलाएं। कल्याण के लिए हर दिन या कम से कम रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। वैसे तो मीन राशि वाले साल 2024 में अपनी लव लाइफ को एंजॉय करेंगे, फिर भी क्या आपकी अपने पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर बहस हो रही है? तो अभी जाने इसकी वजह और समाधान। एस्ट्रो योगी आप पर इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, जहां नए यूजर्स के लिए पहली कॉल फ्री है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2024 में कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। आप आमतौर पर ऐसे जातक होते हैं जो अपने जीवन में प्यार और रोमांस को गहराई से महत्व देते हैं। आप अत्यधिक भावुक होते हैं, जो अपने रिश्तों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। आप बहुत ही नाजुक और शांत आभा वाले होते हैं, जो लोगों को आकर्षक और हॉट लगते हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी मासूमियत और मिलनसार व्यक्तित्व से लोगों को आकर्षित भी करते हैं। आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत भावुक होते हैं और हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की मांग करते हैं जो आपकी संवेदनशीलता और आपकी रचनात्मकता का सम्मान कर सके। अपने उच्च भावनात्मक अंतर्ज्ञान के साथ आप अपने पार्टनर की जरूरतों और उनके विचारों और भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे ही गुणों के कारण आप लव में मैजिशियंस माने जाते हैं। यदि आपका अपने पिछले रिश्ते में दिल टूट गया था, तो अब आप खुद को और अपने दिल को भीतर से ठीक कर सकते हैं। मीन राशि के तहत पैदा हुए लोग अपने रिश्ते के पहलू में एक बहुत ही अच्छा साल बिताएंगे। साल भर उतार चढ़ाव रहेगा, खासकर अनमैरिड कपल्स में, लेकिन एक बात अच्छी है कि इस साल ब्रेकअप के कोई संकेत नहीं है। साल का पहला भाग आपके वैवाहिक जीवन को स्थिर बनाएगा। साल का दूसरा भाग लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों और आप दोनों के बीच समझ के लिए अच्छा रहेगा। अनमैरिड जातकों के लिए अलग अलग गोचर के दौरान ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन अलग अलग परिणाम मिलेंगे। मैरिड लोगों के लिए साल 2024 में रिश्ते के मामले में बहुत ही स्थिर और मध्यम साल होगा। ससुराल वालों या परिवार में किसी और के साथ गलतफहमी के कारण कपल्स को कुछ गर्मा गर्म बहस का सामना करना पड़ सकता है। आप ठीक से संवाद नहीं कर पाएंगे, जिससे अधिक गलत संचार होगा। सभी आपको ये सलाह दी जाती है कि जब भी आपको लगे कि संवादहीनता बढ़ रही है और उनके रिश्ते में खटास आ रही है, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। आपके रिश्ते में कुछ नकारात्मकता आ सकती है, लेकिन अधिकांश समय आप एक दूसरे के साथ समय बिता पाएंगे और कुछ प्यारे पलों को संजो पाएंगे। साल के बहुत छोटे हिस्से के लिए तर्क और नकारात्मकता रहेगी। साल के दूसरे भाग में कुछ नकारात्मकता रहेगी, लेकिन इस बार इसका कारण अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा उम्मीदें रखना होगा। ये समझना ज़रूरी है कि अपेक्षाओं से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन जब आप किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं और फिर आपको कुछ मिल जाता है, तो खुशी दुगनी हो जाती है। अपने पार्टनर की ओर से प्रयास ना करें, क्योंकि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं। जब आप इन सभी चरणों से गुजरने में सक्षम होंगे, तो आपका वैवाहिक जीवन और भी अधिक सुंदर और स्नेहपूर्ण होगा। अब बात करते हैं मीन राशि के अनमैरिड जातकों की। जो अनमैरिड जातक इस साल विवाह करने की योजना बना रहे थे, उनके लिए साल
अच्छा और विवाह के लिए अनुकूल रहने वाला है। आप एक ऐसा लाइफ पार्टनर खोजने में सक्षम होंगे जिसके साथ आप सहज और सुरक्षित महसूस करें और जो आपके प्यार को समझ सके। अनमैरिड आपके लिए साल 2024 कुछ सबसे उदार पलों वाला होगा, लेकिन साथ ही साल के कुछ गोचर आपको परेशान करेंगे और असुरक्षा भी पैदा कर सकते हैं। कपल्स के बीच का रिश्ता मजबूत होगा और आपसी प्रेम और समझ बनी रहेगी। आप में पोजेसिवनेस अधिक होगी और साल के कुछ हिस्सों में आप रिश्ते में असुरक्षित महसूस करेंगे। आपके मन में ये डर रहेगा कि आपका पार्टनर किसी और के कारण आपसे रिश्ता तोड़ तो नहीं देगा। आप अपने पार्टनर के दोस्तों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, जिससे आप दोनों के बीच विवाद और तर्क वितर्क होने लगेंगे। मीन राशि के सभी जातकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने पार्टनर के साथ अपनी असुरक्षा की भावना का संचार करें और अपने पार्टनर पर भरोसा करने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छा होगा कि आप दोनों एक साथ अक्सर यात्राएं करें और रोमांटिक डेट पर जाएं, ताकि आप दोनों के बीच प्यार और रोमांस बढ़े और आप दोनों रिश्ते में सुरक्षित महसूस करें। रिश्ते की अखंडता में विश्वास रखें और सब ठीक हो जाएगा। कोशिश करें कि रिश्ते में किसी की दखलंदाजी ना हो, चाहे वो व्यक्ति आपके कितना भी करीब क्यों ना हो। यदि आप अपने विचारों और अधिक सोचने पर नियंत्रण रख पाएंगे तो ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा साल रहेगा। अब जानते हैं इस साल होने वाले ग्रह गोचर आपकी लव लाइफ को कैसे प्रभावित करेंगे। मैरिड जातकों के लिए मार्च और अगस्त आपके रिश्ते में सद्भावना के लिए सबसे अच्छे महीने होंगे। जून एक ऐसा महीना हो सकता है जब कुछ नकारात्मकता हो सकती है। अनमैरिड जातकों के लिए जून और जुलाई का महीना सबसे आकर्षक पलों में बीतेगा और आप देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच प्यार बढ़ता जाएगा। चलिए अब आपको लव लाइफ के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताते हैं जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। प्रत्येक सोमवार को दूध, शहद और केसर से शिव अभिषेक करें। अपने पार्टनर के साथ चांदनी रात में सैर करें और पूर्णिमा की रात पर एक साथ बाहर जाने की कोशिश करें। प्रतिदिन या कम से कम प्रत्येक बुधवार को गाय को हरी घास खिलाएं। प्रत्येक शुक्रवार को दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर आप अपनी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो अभी हमारी एस्ट्रो योगी ऐप पर जाके इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, जहां नए यूजर्स के लिए पहली कॉल फ्री है। आइए आगे जानते हैं कि साल 2024 में आपके व्यवसायिक जीवन का भविष्य क्या होगा। आप जब आपके करियर और नौकरी जीवन की बात आती है तो आपके लिए नौकरी का माहौल काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप नेगेटिव वातावरण में काम नहीं कर सकते और शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थक जाएंगे। आप अपने काम में बहुत कलात्मक और रचनात्मक होते हैं। आपके पास एक दृष्टिकोण है जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं और आप उस पर टिके रहना चाहते हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं यदि आप इसके बारे में भावुक हैं, और आप अपने विचारों को चलाने के लिए अपनी रचनात्मक स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। अपने सहज स्वभाव के साथ आप लक्ष्यों और प्रोजेक्ट्स के लिए सर्वोत्तम रणनीतियों और विधियों को समझने में सक्षम होते हैं। आपके व्यवसायिक जीवन के लिए ये एक उल्लेखनीय साल होगा। आप कुछ बेहतरीन लक्ष्यों और उपलब्धियों का अनुभव करेंगे। आपके संपर्क बढ़ेंगे और नौकरी के हर विभाग से सराहना मिलेगी। साल 2024 में मीन राशि वालों का करियर कैसा रहेगा ये भी जान लेते हैं। नौकरी के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए साल का पहला भाग बेहतर नजर आ रहा है, जहां आपको अच्छी प्रमोशन का अनुभव होगा। व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों के लिए साल का दूसरा भाग अधिक आशाजनक दिखाई दे रहा है। आप अच्छा लाभ अर्जित कर सकेंगे और व्यवसाय को मजबूती से स्थापित कर सकेंगे। करियर के लिहाज से आपके लिए साल 2024 अवसरों और स्थिरता से भरपूर रहेगा। मीन राशि वाले अपने कार्य में नए आयामों का पता लगाने में सक्षम होंगे और वास्तव में कुछ महान अवसरों को प्राप्त करेंगे। मीन राशि की कुंडली में एक मजबूत योग पाया जाता है, जो साल के दूसरे भाग में अच्छी वृद्धि का संकेत देता है। साल का पूर्वार्ध नए अवसरों की खोज और आपकी दिशा में काम करने की दिशा में अधिक रहेगा। साल के शुरुआती महीने काफी धीमी रफ्तार से गुजरेंगे। अवसरों के अलावा कार्य जीवन नियमित कार्य के साथ काफी स्थिर रहेगा। चार्ट में काम का कोई दबाव या तनाव नहीं बताया गया है। साल का दूसरा भाग वो चरण होगा जब प्रमोशन और वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन इस प्रमोशन से काम का बोझ और दबाव भी बढ़ेगा। आपको कुछ व्यस्त कार्य शेड्यूल का अनुभव करना होगा और आप पर जिम्मेदारियों का बोझ होगा। आपको अपने सीनियर से भरपूर सराहना मिलेगी। आप हर कदम पर आपका साथ देने के लिए मौजूद रहेंगे और अगर आप विचलित या अटक जाते हैं तो आपको रास्ता दिखाने के लिए आपके साथ रहेंगे।
साल के दूसरे भाग में कुछ छिपे हुए शत्रु भी आपकी छवि खराब करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बृहस्पति के गोचर से आप अपने सभी शत्रुओं को परास्त करने और उनके वश में करने में सफल रहेंगे। यदि कोई कलीग आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी मंशा सबके सामने आ जाएगी और इस वजह से आपको सभी का अधिक ध्यान और समर्थन प्राप्त होगा। अगर आप बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हैं तो व्यवसायिक क्षेत्र के जातकों के लिए साल 2024 कुल मिलाकर काफ़ी फलता फूलता रहेगा, लेकिन रुकावटें आएंगी जो व्यापार और मुनाफे की गति को धीमा कर देंगी। साल का पहला भाग विशेष रूप से काफ़ी धीमा रहेगा और आपको सरकारी अधिकारियों और अपने प्रतिस्पर्धियों के कारण अपने व्यवसाय में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पैसों को लेकर भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। साल का दूसरा भाग सुरक्षित रहेगा, व्यापार की गति तेज होगी और आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। आपके क्लाइंट आपसे खुश होंगे और आपके काम की सराहना करेंगे। आपके लिए साल 2024 में ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी। अपनी मेहनत और लगन से आप हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे और इसी लगन से आप अपने क्षेत्र में और समाज में अच्छा नाम कमाएंगे। आपके व्यवसाय को क्षेत्र के बाहर भी लोगों द्वारा पहचाना जाएगा और आपके क्षेत्र में और अन्य सभी व्यवसायों के बीच आपकी छवि में काफ़ी सुधार होगा। आप अपनी छवि और प्रतिष्ठा से अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, इसलिए सभी आपको अपनी अच्छी छवि और आभा बनाए रखने की सलाह दी जाती है ताकि वे अधिक से अधिक सौदे कर सकें और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। शिक्षा में आपका पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी दिनचर्या को बनाए रखने के लिए समग्र रूप से उतार चढ़ाव वाला साल होगा। साल के कुछ चरणों के दौरान उनके लिए ध्यान केंद्रित करना और टारगेट परिणाम प्राप्त करना कठिन होगा, लेकिन जो जातक इस साल उच्च शिक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं आपको साल के दूसरे भाग में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपको पहले भाग में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए निराश ना हो और विश्वास ना खोएं। सरकारी परीक्षा देने वाले जातकों के लिए साल का पहला भाग आपके लिए बेहतर नजर आ रहा है और अगर आप किसी कानून की परीक्षा या शिक्षा के क्षेत्र में किसी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो ये साल आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। नौकरी वाले मीन राशि के जातकों के लिए जनवरी, जून और दिसंबर सबसे अच्छे महीने रहेंगे। व्यवसायिक क्षेत्र के जातकों के लिए अगस्त और अक्टूबर सबसे अच्छे लाभ और अच्छे व्यापार वाले महीने होंगे। विद्यार्थियों के लिए अगस्त और नवंबर सबसे अधिक लाभकारी महीने होंगे। अब आपके करियर के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय जान लेते हैं जो इस साल आपके लिए मददगार साबित होंगे। प्रत्येक बुधवार को गणेश संकट नाशन स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू करें। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और जल में कुमकुम मिलाएं। प्रत्येक गुरुवार को 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जाप करें। हर सुबह धरती को छूकर और आशीर्वाद लेकर धरती माता की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। अगर आप अपनी लाइफ में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो अभी हमारे एस्ट्रो योगी ऐप पर जाकर इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, जहां नए यूजर्स के लिए पहली कॉल फ्री है, या फिर astroyogi.com पर हमसे संपर्क करें। तो आइए अब बात करते हैं कि साल 2024 में आपकी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। मीन राशि वाले अपने वित्त के मामले में बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। आप अक्सर पैसा कमाने में बहुत सारी ऊर्जा और रचनात्मक कौशल लगाते हैं और जब अपने धन को खर्च करने और प्रबंधित करने की बात आती है तो आप हमेशा बहुत ही व्यवहारिक और ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो आप कभी कभी अति उदार हो जाते हैं और अंत में गलत लोगों की मदद करते हैं। हालांकि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि खुश रहना और अच्छा महसूस करना, किसी भी दर्द से राहत पाना और शांत मन रखना है। इस निष्क्रिय और सहज रवैये के कारण आप कभी कभी कुछ अवसर खो देते हैं और आपको नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो आप चाहते हैं और आमतौर पर अच्छी खासी रकम कमाते हैं और जीवन भर आपके पास संतोषजनक वित्त होता है। आपके लिए वित्त के मामले में ये साल बहुत संतोषजनक रहेगा। ये आपके मुनाफे और निवेश के लिए एक ज़बरदस्त साल होगा। आप अपने वित्त का उचित प्रबंधन करने में सक्षम होंगे और आपको अपने धन के साथ कोई समस्या नहीं होगी। भले ही खर्चे अधिक होंगे और आप शुरू में बचत नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरे साल कोई वित्तीय समस्या या नकदी की कमी नहीं होगी और आप आराम से कमा और खर्च कर पाएंगे। जब बचत और आपकी कुल संपत्ति की बात आती है तो साल की पहली छमाही बेहतर नजर आती है। साल के दूसरे भाग में कमाई और लाभ में वृद्धि की ओर अधिक झुकाव दिखता है। आपके लिए साल 2024 जीवन के वित्त क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में बहुत ही शानदार रहेगा।
आप एक अच्छी वेतन वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम होंगे और यहाँ तक कि साल 2024 में प्रोत्साहन भी अधिक होगा। वृद्धि के साथ आप एक मजबूत वित्तीय स्थिति प्राप्त करने में सक्षम होंगे और अपनी लग्जरी और असाधारण खरीदारी पर खर्च करने में सक्षम होंगे। आपके पास निवेश करने और रिटर्न कमाने के लिए अच्छी रकम होगी। व्यवसायिक क्षेत्र में आपके लिए भी वित्त के मामले में साल बहुत अच्छा रहेगा। आप व्यापार से भारी मात्रा में मुनाफा और लाभ अर्जित करने में सक्षम होंगे। व्यवसाय के विस्तार के लिए ये एक बहुत ही अनुकूल साल होगा। आप जहाँ चाहें वहाँ व्यवसाय का विस्तार और स्थापना करने में सक्षम होंगे और अपने धन में गतिशील वृद्धि का अनुभव करने में सक्षम होंगे। पार्टनरशिप बिजनेस के मामले में साल 2024 बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। आप अपने पार्टनर की मदद से लाभ का अनुभव करेंगे, लेकिन आपको साझेदार के साथ सतर्क और रणनीतिक रहने की सलाह दी जाती है। आपको कुछ असहमति और गर्मा गर्म बातचीत का सामना करना पड़ सकता है, जो अंततः आपको अपने पार्टनर से अलग महसूस कराएगा। हो सकता है कि कभी कभी आपका उसके साथ काम करने का मन ना करे और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने या व्यवसाय को विभाजित करने का मन करे। ये शायद आपके अति देने वाले स्वभाव के कारण होगा। किसी बात को लेकर आप अपने पार्टनर पर भरोसा कर रहे हैं तो आपका पार्टनर आपका भरोसा तोड़ सकता है। इसलिए ये सुनिश्चित करने की सलाह दी जाएगी कि आप वित्त और सौदों के रिश्ते में सब कुछ दोबारा जांच लें, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ साझेदारी के व्यवसाय में हैं तो ये साल बहुत ही मध्यम रहेगा। कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि तर्क वितर्क और गलतफहमियों को प्रोफेशनल जीवन में ही रखें और इन प्रोफेशनल जीवन के मुद्दों को अपने निजी जीवन में बाधा ना बनने दें। पैतृक संपत्ति या उपहारों के उत्तराधिकार की बात करें तो साल 2024 पहले भाग में अनुकूल साल रहेगा। यदि आपके घर में विरासत की योजना चल रही है तो सलाह दी जाती है कि इस प्रतिक्रिया को पहले भाग में ही पूरा कर लें, अन्यथा साल के दूसरे भाग में कुछ बाधाएं आ सकती हैं जो ट्रांसफर को रोक सकती हैं। अगर आप साल 2024 में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि ये साल कितना लाभकारी होगा। निवेश के लिए ये साल बहुत फलदायक रहेगा। आप पहली छमाही में ही अपने पिछले निवेशों से भारी लाभ अर्जित करेंगे। अपने रचनात्मक कौशल और अंतर्ज्ञान के साथ आप अपने पैसों को कुशलता से यूज करेंगे, अच्छे निवेश करेंगे। इस साल सभी क्षेत्रों में किया गया निवेश आपके लिए लाभदायक रहेगा। शेयर बाजार, कमोडिटीज, जमीन या FD और म्यूचुअल फंड जैसे सुरक्षित निवेश, ये सभी आपको अच्छा रिटर्न देंगे। ट्रेडर अपने नियमित मुनाफे के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। व्यापार में न्यूनतम जोखिम रहेगा। इस साल आपके लिए संपत्ति और वस्तुएं सबसे अच्छा निवेश होगा। जातकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने पैसों को जल्दबाजी में निवेश ना करें और निवेश करने से पहले पूरी तरह से बाजार की रिसर्च कर लें। ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या कहती है? फरवरी और सितंबर आपके लिए व्यवसाय और नौकरी में वृद्धि और लाभ के लिए सबसे अच्छे महीने होंगे। निवेश के लिए जून और अक्टूबर सबसे अच्छे महीने होंगे, जब आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अब आपके वित्त के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय जान लेते हैं जो इस साल आपके लिए मददगार साबित होंगे। हर शनिवार शाम को शनिदेव को सरसों के तेल का दिया जलाएं और काले तिल चढ़ाएं। साथ ही पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और पेड़ के पास सरसों के तेल का दिया जलाएं। अपनी थाली में से पहली रोटी गाय के लिए हमेशा अलग रखें और जब भी संभव हो उसे खिलाएं। हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें और श्री सुक्तम का पाठ करें। कबूतरों और चींटियों को रोज़ाना या कम से कम हर मंगलवार और शनिवार को खाना खिलाएं। क्या आपको बार बार हो रहा है बिजनेस में नुकसान? तो अभी हमारी एस्ट्रो योगी ऐप पर जाकर इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, जहां नए यूजर्स के लिए पहली कॉल फ्री है, या फिर astroyogi.com पर हमसे संपर्क करें। तो आइए अब जानते हैं वर्ष 2024 में आपका पारिवारिक जीवन कैसा होगा। आप जब आपके पारिवारिक जीवन की बात आती है तो आप बहुत ही भावुक और अपने परिवार की देखभाल करने वाले होते हैं। आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और परिवार के सभी सदस्यों के लिए हमेशा एक शुद्ध इरादा रखते हैं। आप भावनात्मक और आर्थिक रूप से अपने परिवार के लिए बहुत एफर्ट देते हैं और आमतौर पर दूसरे लोगों के इरादों को पढ़ने में विफल रहते हैं। आप हमेशा अपने भाई बहनों की संगति और परिवार में सभी मातृशक्तियों का आनंद लेते हैं। अगर कुछ भी ठीक नहीं होता है तो आप हमेशा अपने परिवार के सदस्यों की मदद करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। आप अपने परिवार के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण साल बिताएंगे। परिवार के भीतर शायद ही कोई असहमति या मुद्दा होगा। आप अपने परिवार के साथ कुछ सबसे आनंदमय समय बिताने में सक्षम होंगे और ना केवल करीबी बल्कि दूर के परिवार के साथ भी।
पूरे साल सकारात्मक ऊर्जा के कारण आप अपने घर में बहुत सुरक्षित और आरामदायक महसूस करेंगे। आपके लिए साल 2024 पारिवारिक जीवन में बहुत ही आशावादी और आनंदमय रहेगा। घर का वातावरण बहुत ही सहयोगी रहेगा। पूरा साल मुस्कुराहट भरे पलों से भरा रहेगा। माता के साथ राशि के जातकों का रिश्ता विशेष रूप से सकारात्मक रहेगा। आप अपने रिश्ते और अपने काम को लेकर अपनी माँ से हर बात शेयर कर सकेंगे। जब भी वे अपने कामकाजी जीवन के कारण तनाव महसूस करेंगे तो आप अपनी माँ या परिवार के किसी मातृशक्ति के साथ एक साधारण बातचीत के बाद ही आराम और शांति महसूस करेंगे। आपके और आपके पिता के बीच रिश्ता बहुत मधुर रहेगा। आप अपने माता या पिता के परिवार में किसी पितातुल्य व्यक्ति के साथ चर्चा करके अपने काम के लिए नए विचार और रणनीति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जब भी परिवार में भाई बहन या किसी दूर के रिश्तेदार से अनबन होगी तो आपको अपने पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यदि आपका अपने माता या पिता या परिवार में किसी अन्य रिश्तेदार के साथ कोई अनबन चल रही थी तो इस मुद्दे को सुलझाने और रिश्ते को सकारात्मक बनाने के लिए परिवार के साथ एक साथ बैठकर धार्मिक स्थान पर भी आप जा सकते हैं या शांति से घर में ही बैठकर आप इस चीज़ को सुलझा सकते हैं। छोटी यात्रा के भी संकेत दिए जाते हैं। मीन राशि के चार्ट में किसी विदेश की लंबी यात्रा का भी संकेत दिया गया है। इस साल भाई बहनों के साथ रिश्ता बहुत ही आनंदमय रहेगा। भाई बहन खासकर युवा हर चीज़ में आपका साथ देंगे। इस साल आप खुद से कुछ अच्छा करने की उम्मीद कर सकेंगे। आपका वैवाहिक जीवन पूरे साल उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन कम से कम प्रयास के साथ आप सब कुछ फिर से खुशहाल बनाने में सक्षम होंगे और अपने लाइफ पार्टनर के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ता साझा करेंगे। पूरे साल परिवार का वित्त स्थिर रहेगा। आप अपने परिवार के साथ विचार विमर्श करने के बाद परिवार में संपत्ति जोड़ने में सक्षम होंगे। सभी आपको ये सलाह दी जाती है कि जब भी आप परिवार के लिए या अपने लिए कोई भी महंगी वस्तु खरीदें तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ उस पर चर्चा करें। अब आपके पारिवारिक जीवन के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय जान लेते हैं जो इस साल आपके लिए मददगार साबित होंगे। सुबह ध्यान करना शुरू करें। अनुलोम विलोम प्रत्येक आपके लिए आवश्यक है। हर रविवार सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। समग्र खुशहाली और सकारात्मकता के लिए अपने घर में जितना हो सके उतने वास्तु पौधे लगाएं। समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रतिदिन या कम से कम रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। क्या परिवार में बार बार हो रहे हैं झगड़े, इससे आप हो गए हैं परेशान, तो इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स से एस्ट्रो योगी ऐप पर कंसल्ट करें, जहां नए यूजर्स के लिए पहली कॉल फ्री है, या फिर astroyogi.com पर हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी। पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री।